कंपनी सावधान, कंपनी हिलना मत। जय हिंद सर। चार जेसीओस, 96 अदर रैंक्स, परेड में हाजिर है श्रीमान। He is second lieutenant Dharamveer, your second in command. सर आपने मुझे ये नहीं बताया कि 120 जवानों के बीच एक बच्चा भी है। आपने ठीक कहा सर, मैं एक बच्चा ही हूं। मेरा बाप भी एक बच्चा था जब फौज में आया था, पर इतना प्यारा बच्चा था कि 65 की लड़ाई में भगवान ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आपके पिताजी का नाम? मेजर वीर भान। ओके कुलदीप, बेस्ट ऑफ लक। धर्मवीर, टेल द कंपनी टू माउंट। सर। सुबेदार साहब, कंपनी को माउंट करवाइए। कंपनी माउंट। मैं मेजर वीरभान जी को अच्छी तरह जानता था, दोस्त तो नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे सीनियर थे, मगर हमारा रिश्ता दोस्ती से कम नहीं था। तुम्हारी माता जी कैसी हैं? बस ठीक है, सिर्फ देख नहीं पाती। देख नहीं पाती? आंखों की रोशनी आंसुओं के साथ बह गई। I'm sorry, son. Welcome to Jaisalmer Airbase, boys. Yeah, sir, yeah. तो ये कहाँ लाके फेंक दिया? This is supposed to be an airbase, boys. कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये तो desert है. Get used to it. Hello, Venko Bajwa. Andy Raghu here. Yes, sir. It's a beautiful desert. There are only 3 tents, no base. Don't crap, runway to mila, operational base tum banao. I'll try my best. Thank you, sir. Okay, boys. Dekhe hamare padosi kaun hai? That's Ramgarh. That's Tanot. The main target for 1965 war. And that is Sadewala. Oh, that's Longewala. That's where Major Kuldeep Singh is, huh? Next to me, in air and on the ground. Hum hi hum hai, to kya hum hai? Tum hi tum ho, to kya tum ho? देखो ना भाई, ये आर्मी वाले आ गए हमारी पोस्ट को चेक करने के लिए। कौन सी यूनिट आई है? ये सरदार दिखा दे रहे हैं, मेरे ख्याल में पंजाब की यूनिट हो रही है कोई। आपके कमांडेंट साहब कहाँ हैं? साहब जी पेट्रोलिंग पर गए हैं।
ठीक है, उन्हें वायरलेस पे मैसेज दे दो कि हम पोस्ट टेक ओवर करने आए हैं। यस सर। साहब जी आपके लिए वाले मैसेज आया साहब जी। मैसेज आर्मी वाले लोंगेला पोस्ट पर आ गए हैं, आपको बुलाया है साहब जी। अच्छा, बड़ी अच्छी नींद आ रही थी संतरा। आप सारी रात इस रेत पर इतने मजे से कैसे सो जाते हैं साहब जी? इस धरती को ऐसे ही माँ नहीं कहते संतरा, इसके सीने में बड़ी ठंडक है। जब देखती है कि बच्चा सोने जा रहा है तो उसे रेत की चादर उड़ा देती है। चलो कैप्टन भैरव सिंह सर। प्लीज टू मीट यू कैप्टन। सर आपको ऑर्डर्स तो मिल ही चुके होंगे। सर ये BSF की कंपनी कोटारू पोस्ट पर जाएगी। कप्तान साहब आप तो इस इलाके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। अपने घर की आंगन की तरह सर। देन यू विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस। सर शायद इसीलिए मेरे हेडक्वार्टर्स ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं कि मैं और मेरे 3 साथी लड़ाई में आपके साथ इसी पोस्ट पर रहेंगे। दैट्स राइट, ये रिक्वेस्ट आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से ही गई थी। You may ask your men to leave now. Sir. सर आप इनसे कह दीजिए कि माँ के मंदिर में रोज दिया जलाएं। सर वो सामने देवी का मंदिर देख रहे हैं आप, मेरे साथी चाहते हैं कि आप इसमें हर रोज दिया जलाएं। वहां रोज दिया चलेगा, रोज पूजा होगी। सर इनका मानना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो देवी माँ इस पोस्ट की रक्षा जरूर करेगी। करतारा सिंह साहब गल पल्ले बंदला। ठीक साहब। सर जल्दी उठाओ उठाओ। हाँ सूबेदार साहब। जी साहब। जवानों से कह दो कुएं से पानी भर लें। ठीक है साहब, जवानों कुएं से पानी भर लो। ओ बनते हैं बाल्टी चक ले आए। लेके आए, बड़ी प्यास लगी है। ओए बनवा ना, रुक जाओ। नहाऊंगा खूब नहाऊंगा। ओए रुक जाओ, वजन में वजनदार हो गए। ओ मैं क्या, रुक जाओ। पानी पी लिए सारे, आ जाओ रल मिलके। अरे रुक जा, मैं भी आ रहा हूं। ओए चल, मैं भी चल जाता हूं। कोई पानी को हाथ नहीं लगाएगा। देखो पहले मैं खाना बनाने के लिए पानी भर लूं, उसके बाद चाहे नहाओ तो या फिर इस कुएं में डूब मरो। भागीराम ये हुक्म तुम दे रहे हो? हाँ। मेरे होते हुए? हो हो। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं आप अफसर हैं, 2IC हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर सर जी। पर एक बात जरूर कहूंगा, खाना फौज को बनाता है, फौज खाने को नहीं बनाती। दुनिया की तारीख गवाह है, खाली पेट कोई भी फौज 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ है तो लांगरी मगर बात बड़ी लंबी करता है।
भागीराम जितनी कड़क बात करता है उतने प्यार से खाना भी खिलाता है। बड़े बड़े कर्नल जनरल इसकी बात हंस कर टाल देते हैं। टालेंगे क्यों नहीं साहब जी, भागीराम के हाथ का खाना खा खा के तो सब कर्नल जनरल बने। जी साहब जी, मेरे हाथ का खाना खा के देखो देखो, अग्गे ही अग्गे बढ़ते जाओगे अग्गे अग्गे। चलो मस्ती, चल चलो भागीराम जी। सूबेदार रतन सिंह, यह भी आ गया या मरने के लिए? सूबेदार रतन सिंह रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। एट इज रतन सिंह। एंटी टैंक गन्स, सिर्फ दो आरसीएल गन्स। उनका ख्याल है कि दुश्मन के पास दो ही चार टैंक्स हैं। दो चार क्या सर, दो चार सौ हो दे रतन सिंह के होंदया। आपको चिंता करने की कोई लोड़ नहीं। रतन सिंह अपने हाथ पैर नाल रोक लेगा उन्हें। क्यों नहीं सर, मौका आने दे, मैं अपना सिर टैंक दी तोप दे मुंह विच वाड़ कर तोपा नूं चुप करा देंगा साहब जी। रतन सिंह ना बदले है ना बदलेगा, हुण तैनूं हमेशा दी तरह पुख्ता बड़ी लगी होनी है। पुख्ता इन्नी डाडी लगी है साहब जी कि दुश्मन दे पूरे टैंक नूं तंदूर च भुन के खा जावा। हुण जा, भागीराम तेरा इंतजार कर रहा। भागीराम हिंदुस्तानी फौज को पता नहीं मेरे साथ कौन सी खुंदक है। ओ, मैं जिस कंपनी में जाता हूँ मेरे पीछे पीछे पोस्टिंग वहीं कर देती है तेरी। भागीराम जी, इसमें फौज का कोई लेना देना नहीं। मेरी मानो तो किसी अच्छे जोशी को कुंडली दिखाओ, कहीं ना कहीं तो इनका नाम होगा राहु केतु के साथ। राहु केतु कौन सी क्लास है वे? ये तो कुंभकर्ण मर के सितारा बन गया और आकर बैठ गया मेरी कुंडली में। ओए, बरसा दी यारी दा तू ऐसे ला दे रहा मैनू। अरे यारी गई चूल्हे दे विच, अब तो रोटियां आएंगी तवे पर। ओए मसराम। हाँ जी। आज तक तू 120 बंदों का खाना बनाता था ना जी, कल से क्यों आज से ही 130 बंदों का खाना बनेगा। 10 आदमी कहाँ से बढ़ गए? 10 आदमी तुझे नजर नहीं आ रहा है? एक ही तो है जी। वही एक, ओए ए दो, रुक ओ ना, ये तीन, ओए मर जाने नहीं, चार, बना कर यार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ओए 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 रतन सिया मेरे यार, रतन सिया मेरे यार। यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है? सिर्फ 16 किलोमीटर सर। बॉर्डर के आसपास वाले गांव फ्रेंडली हैं? किसी जमाने में थे सर, लेकिन 1965 की लड़ाई में कुछ लोग यहाँ से बॉर्डर के उस पार चले गए। इन्हीं के भाई भतीजे हैं, इनमें से कुछ लोग इन्फॉर्मर्स भी है सर। धर्मवीर सर, कल से गांव की फुल स्केल चेकिंग शुरू कर दो। शैल वी यूज फोर्स सर? जरूरत पड़े तो सर। ये और ये दो कच्चे रास्ते हैं जो बॉर्डर पिलर नंबर 635 और 638 से आते जाते हैं। हम ये रास्ते भी देखेंगे और बॉर्डर पिलर भी। जरूर सर, पाकिस्तान की पोस्ट मस्जिद वाली भीड़ भी दिखाई देती है। ओ, रतन सिंह, कल सुबह बॉर्डर पर जाने की तैयारी कर लो। राइट सर। सर, वो रहा पिलर नंबर 635। नीचे हो जाइए साहब जी, खड़े मत रहिए, दुश्मन के स्नीपर स्टाक में रहते हैं। ये क्या पागलपन कर रहे हैं साहब, इन्हें रोकें। साहब साहब, सामने से कोई आ रहा है।
खुदा बख्श, ये हिंदुस्तानी ऑफिसर कुछ पागल तो नहीं? सर अगर हुक्म हो तो इसे यही ढेर कर दूं। नहीं, मोहब्बत और पागलपन का बहुत पुराना रिश्ता है। लगता है मेजर साहब को अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि मुझे इस रेगिस्तान की मिट्टी से है। फिर तो कभी ना कभी इन्हें भी वीर चक्र मिल जाएगा। मेरे पिताजी को भी मिला था, वो भी इसी पागलपन के शिकार थे। छोड़ गए मेरे लिए एक वीर चक्र और एक अंधी मां। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं सर। बोलो। बहादुरी और पागलपन में कुछ तो फर्क होता है या नहीं? जिसे आप पागलपन कह रहे हैं वो विश्वास से पैदा होता है, और मेरा विश्वास ये है कि जिंदगी और मौत वाहेगुरु के हाथ में है, और मेरा वाहेगुरु दुश्मन के साथ नहीं मेरे साथ है, क्योंकि मैं सदा उसी की ओट में रहता हूं।